चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। समाजवादी पार्टी की ओर से आजमगढ़ से डिंपल यादव ही उम्मीदवार होंगी। सूत्रों का कहना है कि पार्टी कार्यकारिणी की बैठक के बाद से निर्णय लिया गया है। इस अहम मीटिंग में आजमगढ़ जिले के सभी 10 विधायक पार्टी की कद्दावर नेता शामिल थे। बताया जा रहा है कि सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव बहुत जल्द ही डिंपल यादव के नाम पर मोहर लगा देंगे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव आजम खान के छोड़ने के चलते क्रमशः आजमगढ़ रामपुर की लोकसभा सीट खाली हुई है। अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में कलह से विधायक चुने जाने के बाद आजमगढ़ सीट से इस्तीफा दे दिया। साथ ही आजम खान ने भी विधायक बनने के बाद लोकसभा की सदस्यता छोड़ दी है। अखिलेश यादव अब विधानसभा में नेता विपक्ष हैं। हालांकि आजमगढ़ उपचुनाव के लिए सिर्फ बसपा ने ही अभी तक अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है। अगर ऐसे में डिंपल यादव चुनाव मैदान में उतरती हैं तो ये दिलचस्प होगा। इस सीट पर सपा बसपा बीजेपी के बीच की कांटे की लड़ाई देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने आजमगढ़ रामपुर लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। यह दोनों सीटों के लिए मतदान 23 जून को होगा। वोटों की गिनती 26 जून को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।